एक ईसुपंथीनी जीवन यात्रा। ईश्वरनी योजना अनोखी होय छे। तेवो कादवमां कमळ खिलावी शके छे। घृणास्पद गणाता क्रॉस ने पण समग्र मानव जातना मुक्तिनु कारण बनावी शके छे। अने प्रियतमाने रिझववा युद्धमां लड़नार सैनिक ने तेवो संत पण बनावी शके छे। संत इग्नास एवी ज एक व्यक्ति के जे जगतना युद्ध में झंपलावीने पोतानो महिमा प्रकट करवा इच्छता हता, ते पोताना आंतरिक जीवन में चालतु युद्ध जीतीने ईश्वरनो महिमा प्रकट करवा माटे पोतानु संपूर्ण जीवन समर्पित करे छे। जे व्यक्ति सन्मान शक्ति प्रतिष्ठाना प्रेम में पागल हती, ते इनिगो तरीके मृत्यु पामीने एक व्यक्ति तरीके विश्वनो संपूर्ण त्याग करी पोतानी जातने अने भगवान ने शोधवानी आंतरिक यात्रा करे छे। जगतनो इनिगो मरी जईने ईश्वरनो इग्नास नव जीवन जीववा तैयार थई जाय छे। एक योद्धा, एक सोल्जर संत बनी जाय छे। ईश्वरनी योजना दरेक व्यक्ति माटे अनोखी अने अद्भुत होय छे। आपणे आपणा जीवनमां ईश्वरीय योजना जाणवानो प्रयत्न करवाथी जीवनमां साची दिशा आपणने मळे छे। जीवनमां उद्भवता दरेक तोफ गोळाना प्रसंगो आपणने भांगी नाखवा नहीं, बल्कि ईश्वरीय जीवन जीववा प्रेरणा आपतुं होय छे। जीवनमां आवती तड़की छायडीमां के कपरी परिस्थितिओमां आपणे जो ईश्वरनो अवाज सांभळवानो प्रयत्न करीशुं तो आपणने अनुभूति थशे के ईश्वर आपणने एमना कार्य माटे तैयार करी रह्या छे। दरेक कार्यमां ईश्वरनी इच्छा शोधवानो प्रयत्न संत इग्नास करता हता। एवुं करवाथी मारुं दरेक कार्य ईश्वरना अधिक महिमा अर्थे थई शके छे। ईश्वरनी योजना अनोखी होय छे। एक क्रॉसनो उपयोग ईश्वर मानव जातना कल्याण अर्थे मुक्ति अर्थे करे छे। एक तोफ गोळानो उपयोग एक सैनिक ने संत बनावा माटे करे छे। सैनिक संत बने छे। जीवन में आवती दरेक मुश्किलियों में ईश्वर ने याद करिए अने आपणा दरेक संबंध प्रेम अने सेवाथी निभावीने जीवननो साचो आनंद मानिए। संत इग्नास अमारे माटे विनंती करो। जय ईसू।